कि मेरे ये काम मैंने क्या कर दिए। हे भगवान, कैसे काम कर देते हो। अब तो पस्त हो गया, ठंड पै गई कलेजे को। ठंड कैसा लगा हमारी ये वीडियो और ये सीरीज? आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं बनाती रहूंगी, मैं हारूंगी नहीं, वीडियो बनाती रहूंगी। आप लाइक करो, शेयर करो, मत करो, करती रहूंगी, मैं बनाती रहूंगी, मैं हारूंगी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। राजस्थान यात्रा कंप्लीट होने को आई है, आज हम वापस जा रहे हैं अपने घर, अपने होम टाउन को। तो अभी हम थे जोधपुर में, हमने जोधपुर घुमा, जिसके व्लॉग आपको देखने को मिले। और अब हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट के लिए। 7:30 ब्रेकफास्ट है, हमारी ट्रेन है 8:30 की। और कमरे का लुक आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। बचराज जी सिंघवी, इनकी फोटो लगी है यहाँ। और ये देखिए, पुराना ना पत्थर है, ये पत्थर के पिलर बने हुए हैं। हेरिटेज, सारी चीज़ें यहाँ हेरिटेज रखी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और एक चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी, जब हम ये लगाते हैं ना, आपको भी दिख रहा होगा, कैमल के बने हुए हैं ये, मतलब कि कैमल के शेप में हैं। पेलमेट के जो कर्टन के साइड के हैंडल जो होते हैं, इसका तो पैर भी टूटा हुआ है। ये साथ जो छतें हैं ना, वो लेंटर की नहीं है, ये पुराने पत्थरों की बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये टीवी टंगा हुआ है, और ये लाइट्स सारे जो है ना, ये वाली नई लाइट है, ये पुराने टाइप की लाइट है, और ये पुराना हेरिटेज अलमीरा है। लिस्ट है जो कि इसी अलमीरा में रखी हुई थी, और इसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम बाय बाय करने वाले हैं, रेडी है। ये जो हमारा वेलकम किया गया था, उसकी माला भी हमने यहीं पर रखी हुई है। और एक सुंदर सी ये कलाकृति यहाँ पर लगाई गई है, अपने ज़माने का एक लकड़ी का बक्सा भी है। ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ये भी जो है, ये पत्थर का ही बना हुआ है, पुराना। क्या क्या कलाकारी होती थी ना पहले। बस तरीके से है आज का वेदर, आज धूप निकलने वाली है, चिड़ियों की चहचहाहट, और रेडी हैं ब्रेकफास्ट के लिए। गुड मॉर्निंग, जोधपुर का टूर समाप्त हो रहा है और अब हम बात वापसी है हमारी। हम ट्रेन आज 8:45 बजे हमारी ट्रेन है जोधपुर से, और अभी हम नाश्ता करने महल की तरफ जा रहे हैं। सुबह तो बड़ी सुंदर चिड़ियों की चहचहाहट के साथ सुबह हो रही है। फोटो भी हो गई, अब चलते हैं डाइनिंग में। बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। आज सांभर इडली, पोहा, फ्राई इडली है, एप्पी मिक्स वेज पराठा, वेज कटलेट, योगर्ट है आज, खाखरा ब्रेड, फ्रूट, कॉफी एंड टी। ऐसा देख सो स्टेशन के लिए। स्टेशन बाय बाय जोधपुर, बाय बाय जोधपुर। अभी हो रहा है 8:11, कितने मिनट में पहुंचेंगे भैया?
बहुत से लोगों के मन में आता होगा कि पेट्रोल कैसे आता है। देखिए ट्रेन की पटरियों में ये बड़े बड़े टैंकर इंजन के साथ चलते हैं। पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। टाइम से चाहे कितना भी टाइम हो ना, स्टेशन में आके पैनिक सिचुएशन सी हो जाती है। सबको देख के हम भी पैनिक हो जाते हैं। बैठ गए हैं ट्रेन में, तो बने रहिएगा। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पिछले सारे एपिसोड देखिए, बहुत मजा आने वाला है आप सबको। जिन्होंने नहीं देखे हैं, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बनाती रहूँगी वीडियो, हार नहीं मानूंगी। आपको लाइक करना ही पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अभी चले गए हैं बाहर एज यूजुअल हमेशा की तरह। पता नहीं क्यों गए हैं। चल पड़ी है जोधपुर रेलवे स्टेशन से रानी खेत एक्सप्रेस। कितने मिनट लेट है? 7 से 8 मिनट लेट चल रही है। यहाँ पर तो राइट टाइम में ही पहुँची थी जोधपुर में। जैसलमेर से आई ना जोधपुर में, 1-2 मिनट लेट होगी, लेकिन यहाँ ज़्यादा रुक गई ना। राजस्थान छोड़ने से पहले, यानी कि दिल्ली आने से पहले, यहाँ की कचौड़ी का टेस्ट एक बार फिर से ले लेते हैं। प्याज की कचौड़ी है ये, खा लेती हूँ। वजन जो बढ़ेगा बाद में देखेंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:10। कौन सा स्टेशन आने वाला है अभी मुझे नहीं पता। लगभग लगभग ट्रेन खाली है। इस केबिन में हम ही हैं, तो इसलिए पूरा आराम करते हुए हम लोग यात्रा कर रहे हैं। शाम को तो फिर आराम ही करना है, लेकिन दिन में भी यहाँ पर कोई नहीं है, तो हम रिलैक्स करके बैठे हुए हैं। जैसा कि घूम घूम के थक गए हैं, तो रिलैक्स की बहुत ज़रूरत है। तो बने अजमेर आ गया। अच्छा, वो अजीब से बोल रहा है ना, तो उसकी समझ में नहीं आ रही है। आ गया है अजमेर स्टेशन। खा लेते हैं फ्रूट। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ का, तो फ्रूट से ही खाते हैं। पहुंच गए जयपुर जंक्शन 15 मिनट लेट आएगा। इसके बाद गुड़गांव बीच के स्टेशन के बाद आएगा गुड़गांव, है ना, गुड़गांव रेलवे स्टेशन, फिर दिल्ली। तब तक रात हो चुकी होगी। रात के हो गए 7:51। रोड के बना हुए, तो फिर मैं होती हूँ आगे। पूरे देव 2 घंटे लेट के साथ। वेलकम बैक टू हल्द्वानी। लेट है ना, 6:45 की जगह 6:53 में पहुँची है। 4:45 की जगह 6:53 में पहुँची है। लेट है आज, फिर 2 घंटे ट्रेन लेट थी। हाँ, अभी काठगोदाम जाने में लेगी कितना, 20 मिनट। तो चलिए चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको। तो गाइस
आए, नहाया, धोया, साफ करी, सफाई करी, इतने दिन से घर छोटा होने के बाद अब है खाने की तैयारी। अब देखो आप लोगों के यहाँ ये होती है या नहीं होती है, देखो इसको बोलते हैं राई, काली राई, ये देखो कहीं लाई बोलते हैं, कहीं राई बोलते हैं। ये बहुत स्वाद होती है, इसको काटती हूँ, इसको बनाती हूँ सब्जी और बनाती हूँ दाल। तो फ्रेंड जब तक मैं अपना करती हूँ लंच तैयार, आप लोग कर लीजिए जो नए हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। मिलती हूँ आपके साथ किसी और यात्रा के किसी दूसरे ब्लॉग में, तो बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा वीडियो देर देर से आती है, सपोर्ट कीजिए, देख लीजिए। और पिछली मेरी मसूरी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चले जाइए मेरी प्ले लिस्ट में। तो ये जो है सब्ज़ी में कुछ भी नहीं चाहिए होता है, नमक मिर्ची हल्दी डाल देते हैं हम सगन का। और ये क्या दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए नई जो मैंने ली ना क्रीम की बॉटल, ये आधी है इस तरीके से ही खाली रहती है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए।